हाय एवरीवन, आज हम फिर से लेके आए हैं वेट लॉस रेसिपी चिकन सैलेड विद लॉट्स ऑफ वेजीज। तो इसके लिए हमने कर्ड को स्टेनर में छान लेना है ताकि एक्सेस वाटर उसका निकल जाए, और फिर हम अपनी ब्रोकली को बॉईल करेंगे बॉइलिंग वाटर पे। तो इसे आपको 50-60 सेकंड के लिए बॉईल करना है, और उसके बाद इसमें डालने हैं बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, और ये दोनों इन्ग्रीडियंट डालने के बाद आपको इसको सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए बॉईल करना है। और जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे, आप इसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल लीजिए, और फिर उसी पानी में हम अपना पालक बॉईल करेंगे। और पालक को बहुत ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए बॉईल करना है, और पालक को भी हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। पालक बॉईल होने के बाद हम करेंगे अपना चिकन कुक। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है ऑलिव ऑयल, और फिर डाल देंगे हम इसे चिकन। ये जो है चिकन ब्रेस्ट है, तो इसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो एक मिनट में आपकी जो चिकन ब्रेस्ट है वो पक जाती है। एक मिनट के लिए आप इसे 20-40 सेकंड्स के लिए आप इसे सौते करें, फिर इसमें डाल दें सॉल्ट, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। उसमें डाल देना है हमें पालक जो हमने बॉयल करके रखा था, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो हमने ऑलरेडी पहले से बॉइल्ड करके रखी थी। तो थोड़ा सा सौते करेंगे 10-20 सेकंड के लिए, और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की वेजिटेबल्स जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही कट करके रखी हुई हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं कैप्सिकम, येलो बेल पेपर एंड रेड बेल पेपर, और फिर हम इसे दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक कि ये ठंडा हो जाए। तब तक हम अपनी ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए हमने लिए हैं काली मिर्ची, स्प्रिंग अनियन और दही जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में रखा था। फिर डालेंगे इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसे मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारी जो ड्रेसिंग है वो रेडी हो जाएगी, और अब हम मिलाएंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स को एक सेपरेट बोल में, और चिकन को, और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लेटस और कुकुम्बर। इन सबको सौते करने की ज़रूरत नहीं है, और बेबी टमाटोज भी मैंने यूज़ किए हैं, और इसके ऊपर से हम डालेंगे अपनी ड्रेसिंग। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा जो चिकन सैलेड है वो रेडी है। बहुत ही हेल्दी चिकन सैलेड है, इसमें किसी भी तरह का फैट यूज़ नहीं हुआ। तो अगर आप डाइट पे हैं, आप इसे ज़रूर खाइए, और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। प्लीज़ गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर रेसिपीज़।